Hello dear students, myself Rahul Mishra and today we will discuss limitations of Bohr's atomic model. तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे Bohr's atomic model की limitations या उनकी कमियों के बारे में. So listen, Bohr's atomic model could not explain, listen, first point is, it could not explain the atomic spectrum for a multi-electron system. और मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम, इट मींस जो बोर थे वो किसी मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम के एटॉमिक स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाए. इट मींस लिसन, व्हाट इज मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम? मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम इट इज आल्सो कॉल्ड एज मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम. मल्टी इलेक्ट्रॉन मींस द एटम which contain more than one electron. It means एक ऐसा एटम जिसमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो तो उसे बोलेंगे मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम. सो लिसन, दैट मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम विल बी कॉल्ड एज मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम. तो उस मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम को मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम भी कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल लिथियम इट कंटेन 3 इलेक्ट्रॉन, सोडियम इट कंटेन 11 इलेक्ट्रॉन. जैसा लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन है तो ये एक मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम है. सिमिलरली सोडियम इट कंटेन 11 इलेक्ट्रॉन, सो इट इज मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम. इट मींस जो बोर का एटॉमिक मॉडल है वो केवल 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के एटॉमिक स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करता है. व्हाट इज 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम? That is one electron atom. It means hydrogen. It means Bohr successfully explain only hydrogen spectrum. Bohr ने कौन सा spectrum explain किया है? Hydrogen spectrum. और ये कैसा system है? It is one electron system. But he could not explain multi electron system atomic spectrum. Or we can say he could not explain the atomic spectrum of मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम लाइक लिथियम सोडियम एटीसी. नाउ सेकेंड पॉइंट ऑफ द लिमिटेशन ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल इज ही कुड नॉट एक्सप्लेन आर बोर कुड नॉट एक्सप्लेन द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ एंगुलर मोमेंटम. इट मींस बोर एंगुलर मोमेंटम की मैथमेटिकल फॉर्म को भी एक्सप्लेन नहीं कर सके. वी ऑल नो दैट the angular momentum of an electron from Bohr's atomic model, it is an integer multiple of h upon 2 pi. So listen, we all know that, हमें पता है कि बोर के एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग जो एंगुलर मोमेंटम होता है किसी इलेक्ट्रॉन का जो किसी ऑर्बिट में चक्कर लगाता है, उस इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम h अपॉन 2 पाई का इंटीजर मल्टीपल होता है. सो लिसन, एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन वी हैव स्टडीड इट इन फिजिक्स आल्सो. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय m इंटू वी इंटू आर. इट मींस मास इंटू स्पीड इंटू डिस्टेंस. सो लिसन, वी हैव स्टडीड दिस फॉर्मूला इन फिजिक्स आल्सो. एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू m v r. So mvr will be equal to nh upon 2 pi. तो ये जो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला आया है, this is called as mathematical form of angular momentum. But Bohr could not explain this formula or this mathematical form. Where, listen, small m is what? Small m is mass of electron. It means जो इलेक्ट्रॉन हमारा किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है उसका मास क्या है? स्मॉल m. नाउ व्हाट इज स्मॉल v? इट इज स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन. इट मींस इलेक्ट्रॉन किस स्पीड से मूव कर रहा है? दैट इज स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन. एंड स्मॉल r इज व्हाट? द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट इन विच इलेक्ट्रॉन ट्रेवल. इट मींस उस ऑर्बिट की रेडियस. इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट दिस डिस्टेंस. So this will be r, this distance will be r. It means small r is the radius of that orbit in which electron travel. Now next point is,
दिस मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन द अरेंजमेंट एंड द रिपल्सन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन ऑर्बिट्स. इट मीन्स जो बोर का एटॉमिक मॉडल था वो ये भी नहीं एक्सप्लेन कर सका कि किस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का क्या अरेंजमेंट होगा, या हम ये कह सकते हैं कि किस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, सेकंड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे. बोर एटॉमिक मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन ऑर्बिट्स. इट मीन ऑर्बिट्स के बीच में इलेक्ट्रॉन्स का क्या अरेंजमेंट है, या इन ऑर्बिट्स में क्या अरेंजमेंट है इलेक्ट्रॉन का, इसको बोर एक्सप्लेन नहीं कर सके. वी ऑल नो दैट इलेक्ट्रॉन व्हेन रिवॉल्व इन फर्स्ट ऑर्बिट एंड व्हेन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन सेकेंड ऑर्बिट, देन वी ऑल नो दैट इलेक्ट्रॉन इज निगेटिवली चार्ज. हमें पता है अगर इलेक्ट्रॉन पहले और दूसरे ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है तो इलेक्ट्रॉन पर हमें पता है कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है. सो लिसन, दे मस्ट फील रिपल्सन. तो होता क्या है, जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं उनमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन. तो जाहिर सी बात है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल कर रहे होंगे इन ऑर्बिट्स के बीच में. सो लिसन, बोर कुड नॉट एक्सप्लेन दिस इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन बिटवीन ऑर्बिट्स. इट मीन्स बोर जो है ऑर्बिट्स के बीच में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन को एक्सप्लेन नहीं कर सके. सो ही कुड नॉट एक्सप्लेन द अरेंजमेंट एंड रिपल्सन ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन ऑर्बिट्स. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज लास्ट पॉइंट, ही कुड नॉट एक्सप्लेन जीमांस एंड स्टार्क इफेक्ट. इट मीन्स जो बोर थे वो जीमान और स्टार्क इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर सके. बट वॉट इज जीमांस और स्टार्क इफेक्ट. सो लिसन, वॉट इज जीमांस और स्टार्क इफेक्ट. वी ऑल नो दैट व्हेन एनी इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन फर्स्ट ऑर्बिट. अगर कोई इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में प्रेजेंट है एंड दिस इज फर्स्ट ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट मीन्स एन इज इक्वल टू क्या होगा यहां पर, वन. दिस इज फर्स्ट ऑर्बिट एंड लिसन, फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन हमारा मूव कर रहा है. सो लिसन, फर्स्ट ऑर्बिट हैज लोवेस्ट एनर्जी. जो फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी होगी उसकी एनर्जी क्या होगी, लोवेस्ट एनर्जी होगी उसके पास, बिकॉज ये ऑर्बिट न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा पास है. हमें पता है न्यूक्लियस से दूर जाने पर एनर्जी क्या होती है, बढ़ती जाती है. सो लिसन, दिस इज फर्स्ट ऑर्बिट, दिस इज सेकेंड ऑर्बिट, एन इज इक्वल टू टू मीन्स सेकेंड ऑर्बिट, एंड दिस इज एन इज इक्वल टू थ्री मीन्स थर्ड ऑर्बिट. इट मीन्स यहां पर हमने पहला ऑर्बिट दिखाया है, दूसरा ऑर्बिट दिखाया है, तीसरा ऑर्बिट दिखाया. तो होता क्या है, जो एन इज इक्वल टू वन है दिस इज लोवेस्ट एनर्जी लेवल, आर दिस इज द ऑर्बिट हैविंग लोवेस्ट एनर्जी. इट मीन्स जो एन इज इक्वल टू वन है वो लोवेस्ट एनर्जी लेवल होगा, या हम कह सकते हैं ये फर्स्ट एनर्जी लेवल की एनर्जी क्या होगी, सबसे कम होगी. फिर एन इज इक्वल टू टू की होगी एनर्जी, और एन इज इक्वल टू थ्री की होगी फिर. इट मीन्स एन इज इक्वल टू वन दिस इज लोवेस्ट एनर्जी लेवल, एंड एन इज इक्वल टू टू एंड थ्री आर हायर एनर्जी लेवल. इट मीन्स एन इज इक्वल टू वन लोवेस्ट एनर्जी लेवल है, और एन इज इक्वल टू टू और थ्री क्या है, हायर एनर्जी लेवल्स हैं, जिनमें एन इज इक्वल टू टू की एनर्जी
कम होगी n इज इक्वल टू 3 से। इट मीन्स हम कह सकते हैं अगर इसकी लोवेस्ट वाले की एनर्जी E1 है, इसकी E2 है, इसकी E3 है, तो है क्या यहां पर जो E3 है थर्ड लेवल की एनर्जी वो सबसे ज्यादा है किससे, E2 से, फिर इसकी एनर्जी ज्यादा है E1 से। सो लोवेस्ट एनर्जी लेवल इज E1, आर फर्स्ट एनर्जी लेवल। नाउ लिसन, व्हेन एनी इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी लेवल, जब कोई इलेक्ट्रॉन क्या करता है, जंप करता है लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में, तो होता क्या है, ये हायर एनर्जी लेवल में जाने के बाद दोबारा कहां लौटना चाहता है, लोअर एनर्जी लेवल में। तो यहां पर जो हायर एनर्जी लेवल है वहां पर इलेक्ट्रॉन बहुत कम टाइम के लिए रुकता है और दोबारा कहां वापस लौट जाता है, लोवेस्ट एनर्जी लेवल में। और यहां पर लौटने के बाद हमें पता है जब कोई इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी में जाता है तो एनर्जी को रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ लाइट, यहां पर इन द फॉर्म ऑफ लाइट करता है। और इन द फॉर्म ऑफ जब लाइट एनर्जी रिलीज होती है तो यहां पर हमें एक स्पेक्ट्रल लाइन दिखती है, क्या दिखती है, स्पेक्ट्रल लाइन दिखती है। सो लिसन, इसी तरह होता क्या है, जब ग्रुप ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस बनती हैं, जब कोई इलेक्ट्रॉन क्या करता है फर्स्ट से फॉर एग्जांपल सेकंड में जाएगा, तो सेकंड फर्स्ट से जा रहा है हमारा थर्ड ऑर्बिट में, तो ये क्या करेगा, कुछ देर बाद फिर वापस लौटेगा तो हमें एक और स्पेक्ट्रल लाइन मिलेगी। इस तरह हमें क्या मिलती हैं, स्पेक्ट्रल लाइंस मिलती हैं, और यही ग्रुप ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस क्या कहलाती हैं, दीज आर कॉल्ड एज स्पेक्ट्रम, दीज आर कॉल्ड एज एटॉमिक स्पेक्ट्रम। बट लिसन, होता क्या है, ये स्पेक्ट्रल लाइंस मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में क्या हो जाती हैं, टूट जाती हैं या स्प्लिट कर जाती हैं। सो लिसन, दीज स्पेक्ट्रल लाइंस स्प्लिट इंटू सेवरल आर मेनी स्पेक्ट्रल लाइंस आल्सो, इट मीन्स ये स्पेक्ट्रल लाइन जो है कुछ अदर स्पेक्ट्रल लाइंस में स्प्लिट हो जाती हैं इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एज जीमांस इफेक्ट। सो व्हाट इज जीमांस इफेक्ट, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड एज जीमांस इफेक्ट। और अगर यही फिनोमिना मैग्नेटिक फील्ड की जगह किसकी प्रेजेंस में होने लगे, इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में, देन दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज स्टार्क इफेक्ट। इट मीन्स स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड एज स्टार्क इफेक्ट। तो बोर जो थे वो जीमान और स्टार्क इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर सके, वो ये नहीं बता सके कि जो स्पेक्ट्रल लाइंस आती हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रम में, व्हाई दीज लाइंस गेट स्प्लिट, वो स्प्लिट क्यों हो जाती हैं इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। सो लिसन, दीज आर दी लिमिटेशंस ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल।